नमस्कार, आप देख रहे हैं धौलपुर जिले की जनता का चैनल फर्स्ट टेक और मैं हूं बाड़ी से मलिक इमरान खान। हमारे साथ खास मेहमान है गौरी नागौरी और आपको बता दें कि हमारे साथ ये तीसरा एक्सक्लूसिव इंटरव्यू है इनका, पहली दूसरी और तीसरी बार। इनसे पूछते हैं कैसा लगता है यहाँ आकर, बाड़ी आकर इनको कैसा लगता है। सबसे पहले फर्स्ट टेक न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। जी नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम सबको। और ये मेरा तीसरा नहीं, यहाँ पे चौथा इवेंट है जी, मेरे को याद है क्योंकि मैं कंटिन्यू यहाँ पे काम कर रही हूँ। तो पिछले साल का जो इवेंट था शायद वो भी मैं ही करती, पर मैं बिग बॉस में थी इसलिए नहीं कर पाई। और इसके बाद अब जैसे भी हर बार आती हूँ और इतना मेरे को यहाँ पे प्यार मिलता है धौलपुर बाड़ी का, तो ये तो मेरे को बोलने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि हर बार आती हूँ, हर बार उससे ज़्यादा प्यार मिलता है। और मुझे आज भी पक्की उम्मीद है कि बाहर बहुत सारी पब्लिक मेरा इंतजार कर रही है और मुझे चाहने वाले मेरा वेट कर रहे होंगे। और यहाँ की जो नगर पालिका पूरी टीम है सब मेरे को बहुत अच्छे से हमेशा बुलाते हैं और सपोर्ट भी करते हैं और काफ़ी शायद वोट भी दिए होंगे। आप यहाँ पर बाड़ी बार बार आती हैं, आपको पता होनी चाहिए धौलपुर जिला डाकुओं के लिए मशहूर है। हाँ। तो यहाँ आने से आपको डर नहीं लगता, क्या मैसेज देना चाहेंगे? मुझे तो बिल्कुल डर नहीं लगता, मैं तो बोलते हैं ना निडर होके यहाँ पे आती हूँ और खूब मस्ती करके जाती हूँ सब पब्लिक के साथ और सबके साथ प्यार बांट के जाती हूँ और मुझे उसके बदले प्यार ही मिलता है। तो आज तक मेरे साथ तो लूटमार हुई नहीं है तो मैं नहीं कह सकती। और मेरा यहाँ पे बहुत क्या ऐसा लगता है यहाँ के लोग ये इस तरह का जो बदनाम कर रखा है जिले के अंदर, मैं आपको बता दूं यहाँ ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप 3-4 बार हो गई हैं, आपको ऐसा लगा कि यहाँ के लोगों से? नहीं नहीं, मेरे को तो हमेशा बोलते हैं ना कि ऐसा कभी माहौल ही ऐसा लगा नहीं और बहुत अच्छी पब्लिक दिखी है। और हमेशा मैं यहाँ पे इवेंट करती हूँ ना तो कोई झगड़ा होता है ना कोई मतलब दंगा फसाद होता है, सब अपने अपने मतलब वो बोलते हैं ना एक जगह पे बैठ के देखते हैं और अच्छे से इंजॉय करते हैं, तो मेरे को तो ऐसा बिल्कुल भी फील नहीं हुआ। तो आज यहाँ पर धमाल होने वाला है? हाँ वो तो होने वाला है, जबरदस्त वाला। हाँ, पिछली बार आपने इंटरव्यू लिया था तो वो इवेंट के बाद लिया था, आज इवेंट से पहले ले रहे हो तो देख सकते हो आप यही एनर्जी बाद में मिलेगी आपको। नहीं, जैसे कि यहाँ पर देखते हैं शहरों में तो डांस की क्रेज रहता है, छोटे शहरों गांवों के अंदर कम इसको पसंद करा जाता है और इसको कम पसंद करा जाता है, तो इसके बारे में आपको क्या कहना है लोगों से? ऐसा तो कुछ नहीं है, मैंने जब से मैं इवेंट करने लगी हूँ और मैंने काफ़ी जगह इवेंट किए हैं तो लगभग मेरी यही पब्लिक रही है हमेशा से। और राजस्थान में मैंने सबसे ज़्यादा इवेंट किए हैं तो मेरे को तो ऐसा कभी नहीं लगा कि मतलब ये पब्लिक है ना इतना बोर करेगी या फिर वो बोर होती है, उनको उल्टा ज़्यादा मज़ा आता है क्योंकि कभी कभी देखने को मिलता है ना साल में एक बार, तो मुझे तो और ज़्यादा मज़ा आता है क्योंकि आप दिल्ली मतलब बड़ी सिटी में आप कहीं पर भी चले जाओ मतलब पंजाब जाओ वहाँ पर तो इवेंट होते रहते हैं, बड़े बड़े सेलिब्रिटी भी आते हैं, सब कुछ होता है, पर यहाँ ऐसा होता है कि ये साल भर में वेट करके इंतजार करके फिर धौलपुर का मंच स्टार्ट होता है और फिर हमें बुलाया जाता है। एक बात तो बताइए, कोई लड़की आपको अपना प्रेरणा स्रोत मानती है और वो आपसे संपर्क करना चाहती है, बात करना चाहती है, इस लाइन में आना चाहती है, तो वो कैसे आपसे संपर्क करे? देखो संपर्क करने की जरूरत नहीं है, वो मुझे देखे मेरी जर्नी देखे जी जी और उससे ही वो सब कुछ सीख सकती है क्योंकि एक मैंने भी कभी किसी से पूछा नहीं कुछ, किसी से कुछ बात नहीं की, वो बोलते हैं ना संघर्ष ही सब कुछ होता है, तो मैंने संघर्ष किया है और आज मुझे शायद अल्लाह ताला और भगवान ने जो भी है मुझे फल मिला है उसका। एक चर्चा का विषय यहाँ पर रहता है आपके प्रोग्राम के बाद, एक आपकी उम्र को लेकर लोगों में, और मैं देखता हूँ सुनता हूँ पीछे, तो इसको आप ओपन करेंगे क्या? उम्र मेरी लड़कियों से वैसे पूछना नहीं चाहिए, ये हर कॉमन सवाल है कि लड़कियों से है ना उनकी उम्र नहीं पूछी जा सकती है, लेकिन तो आप फील्ड में रहते हैं तो हमें सामने आता है तो इसलिए हमने कहा आपसे पूछ लें। नहीं अब ऐसे तो मैं बोल दूं मैं 15 साल की हूँ 16 साल की हूँ पर ये तो झूठी बातें हैं, तो मैं उम्र नहीं बताने वाली आपको। पहले तो राजस्थान और हरियाणवी डांस आपका रहता था, बिग बॉस में आने के बाद आप सुपर डांसर जिसे कहना चाहिए पूरे, पहले तो देश अब देश दुनिया के अंदर आपकी हाईलाइट डंका बज रहा है, इसको लेकर आपका क्या कहना है? ऐसे डांसर के साथ मुझे इंडियन शकीरा कहा जाता है और अभी तो मैं वही वाली बात है, सलमान सर ने जब मेरे को बुलाया था तो तब से मेरा नाम इंडियन शकीरा बन चुका है और आज मैं इंटरनेशनल हूँ तो शायद बिग बॉस की वजह से हूँ, तो थैंक यू बिग बॉस और इंडोमॉल और सलमान सर। बिग बॉस में सबसे ज़्यादा किससे पटती थी आप? सलमान सर से। ठीक है ओके, चलिए आपसे जी हाँ आप हमें जाना है और खूब सारी मस्ती करनी है, पब्लिक से बात करनी है और उनके साथ खूब फन करना है, तो ठीक है आज के लिए खुदा हाफिज, ठीक है अपना ख्याल रखें सब। तो आप देख सकते हैं ये दिन गौरी नागौरी हरियाणवी डांसर जो शकीरा के नाम से भी मशहूर हैं, और पाड़ी से फर्स्ट ट्रैक न्यूज़ के लिए मलिक इमरान खान सहयोगी रहीम खान के साथ।